ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 11 सितंबर के श्री प्रदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन को, कोई भी व्यक्ति को या किसी भी माहौल में रहने वाले हम इंसान किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति से इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि हम अपनी कंट्रोल छोड़ दें, या हम अपनी कंट्रोलिंग पावर या अपने मूड की पावर जो है उसको कहते हैं कि हमारा मूड इस व्यक्ति के कारण, इस सिचुएशन के कारण, अगर ये ना होता तो ऐसे ना होता, तो वैसे ना होता, ऐसे करते तो ऐसे कर होता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, ऐसे करना ही चाहिए था, क्यों कर रहे हैं, ऐसे इतने सारे जो क्वेश्चन हो ना, ये सारे के सारे हमारी पावर्स को हमें ख़त्म कर देते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करें ताकि हम ये सारी पावर्स को अपने पास लेके आ जाएं। और वो हो पाएगा जब जब हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमारे लीकेजेस कैसे होते हैं और दिन भर में हम सोचते सोचते थक कैसे जाते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफानों को तोहफा बना लें। जो हमारे लाइफ में तूफान आते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया ऐसा काम, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया और हमारी सिचुएशन हिल गई, हमारी लाइफ हिल गई, चाहे वो फाइनेंशियली हिल जाए, चाहे वो मेंटली हिल जाए, मैं इमोशनली हिल जाए, रिलेशनशिप वाइज में हिल जाए, आपके चाहे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं इनसे। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं, टाइटल में है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भवा। यथार्थ व सच्चा योगी, योगी वो इंसान हो गया जिसके पास में ताकत है कि वो एक सेकेंड में अपने सारे थॉट्स को सिर्फ अपने क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं और चारों तरफ तूफान चल रहा हो, चाहे वो धन का तूफान हो, सेहत की प्रॉब्लम का तूफान हो, चाहे संबंधों पे तूफान चल रहा हो, चाहे पूरी दुनिया में ही तूफान क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उसके पास में इतनी ताकत होती है कि अपने पावर इतनी होती है उसके पास में कि वो एक सेकंड में सब चीज़ों से नाता तोड़ करके एक सेकंड में परमात्मा के साथ में, मेडिटेशन में, उस अनंत ऊर्जा के साथ में, बेहद की ऊर्जा के साथ में, इनफाइनाइट एनर्जी के साथ में, इनफाइनाइट क्वांटम फील्ड के साथ में वो कनेक्शन जुड़ा लेता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पता कर लेता है। कैसे? अपने आप को ठीक करके। यस, चेंज अपने आप को करना है, अपने आप को उस अपहीवल से, उस इम्प्योर संकल्प, वो इम्प्योर संकल्प क्या हुआ, आपने किसी को तुलना करी, आपने कंप्लेन किया, आपने ब्लेम किया, ये सारे इम्प्योर संकल्प हो गए। क्यों, क्या, कैसे, इन सारी चीजों में आता है कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज। क्यों, क्या, कैसे, इन चीजों को छोड़ करके अगर आपने अपने थॉट्स को कंसेंट्रेट कर लिया, आपने अपनी फीलिंग्स को ठीक कर लिया, तो आप बहुत फटाफट अपने सारे घर के सॉल्यूशंस, सारे बिजनेस के सॉल्यूशंस, सारे ऑर्गेनाइजेशन के सॉल्यूशंस पता कर लेंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, चाहे चारों तरफ तूफान आए, लोग ब्लेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको नीचे दिखा रहे हो, आपके ऊपर सारा बोझा डाल देते हो, आपको बोल रहे हो कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन वो तूफान हो रहा है, लेकिन आप एक सेकंड में अपने मन बुद्धि को अगर एकाग्र कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप तू तू मैं लगे तो खत्म, कई दिन तक तू तू मैं चलती रहेगी। परमात्मा कहते हैं परिस्थिति हलचल की हो सकती है, जैसे आपको कहा फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ वाइज हो सकती है, मेंटल इमोशनल हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज सकती है, वायुमंडल तमोगुणी हो, सारे के सारे लोग आपके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं फिंगर्स, सारे के सारे लोग या किसी को ब्लेम कर रहे हैं और आपको पता है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में बहुत अशांति फैली हुई है, कोई काम नहीं कर रहा है ठीक से, चाहे वो घर की हालत भी हो सकती है, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, माया मतलब आपके अंदर क्रोध जागृत हो सकता है, अहंकार जागृत हो सकता है, ईर्ष्या जागृत हो सकती है, घृणा जागृत हो सकती है, नफरत जागृत हो सकती है, सिचुएशन ही ऐसी कि आपको नफरत आ रही है, सिचुएशन ही ऐसी कि आपको घृणा आ रही है, सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको हर चीज़ में, हर व्यक्ति के साथ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। परमात्मा कहते हैं इसमें कि माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, सिचुएशंस खराब हैं लेकिन आप एक सेकंड में अपने आप को कंट्रोल कर पाए, यह है याद की शक्ति, मतलब कि यह है मेडिटेशन की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ऐसे क्यों किया, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, मतलब कि आप नेगेटिव सिचुएशन में आप उसमें पता कर पाओ कि अरे ये तो मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ये तो मुझे क्रोध छोड़ने का एक और मौका मिल रहा है, ये तो मुझे अहंकार के ऊपर जीत पाने का मौका मिल रहा है, ये तो मुझे बैड फीलिंग्स के ऊपर जीत पाने का मौका मिल रहा है, ये तो मुझे अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, ये तो मुझे अपने घर की परिस्थिति ठीक करने का मौका मिल रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए सोच, एटीट्यूड। फिर परमा कहते हैं बन जाए ऐसा कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी
कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, चाहते नहीं क्रोध करें, चाहते नहीं क्वेश्चन पूछें, चाहते नहीं क्रिटिसाइज करें, चाहते नहीं ब्लेम करें, क्या करें, करते हैं उसका माहौल खराब आता है, चाहे वो वर्क प्लेस का माहौल हो, चाहे आपके घर का माहौल हो, चाहे आपकी बिजनेस का माहौल हो, क्या करें, बोला है ऐसे वो व्यक्ति चला गया, रूठ गया, काम करना छोड़ दिया, यही सारी प्रॉब्लम्स आ गई घर में, फैमिली में किसी के आपस में बात नहीं, कोई किसी रूम में, कोई किसी रूम में, कोई किसी रूम में। परमात्मा कहते हैं कि सारी चीज़ें तब चेंज होंगी जब हम चेंज होंगे, हमारा रिएक्शन हर परिस्थिति हर व्यक्ति के साथ ये चेंज होना ज़रूरी है, तभी चेंज हो सकता है जब हम मेडिटेशन में हों, हम परमात्मा से जुड़े हों। करना कैसे, ब्रह्म कुमारी में ये तो सिखाया जाता है आपको, बस आपको जाने की देर है, वहाँ पर एक कदम विश्वास से एक कदम लीजिए। और लोग आज इंसान लाखों लाखों रुपए स्पेंड करते हैं मेंटल स्टेट के लिए, डिप्रेशन की दवाइयों खाने के लिए, आपको तो फ्री में सारी चीज़ों से मौका मिल रहा है कि इन सारी चीज़ों से आप दूर हो पाए, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे घर की प्रॉब्लम्स हो, आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्चा करे। इसके साथ ओम शांति।